down. Enemy down. Enemy down. हे गाइस, क्या हाल चाल, आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए बेहतरीन सोलो वर्सेस भाई साहब, मतलब चार दिन सोलो वर्सेस स्क्वाड हो गया तो मुंह से वही निकल रहा है, मतलब डुओ वर्सेस स्क्वाड की बेहतरीन वीडियो लेकर। तो यार हमारे साथ देख रहे हो आज कौन लौंडा खेल रहा है, एक बार जूम कर ले हो, नहीं भाई वीडियो को फुल एचडी कर ले हो, एक बार देखो तो कौन खेल रहा है भाई साहब। गॉड किलर गेमिंग, मतलब पबजी मोबाइल कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रश्न, गॉड किलर गेमिंग की एज कितनी है, अभी जाओ और कमेंट में बता के आओ। आज हम जानेंगे वीडियो के अंतिम तक कि गॉड किलर गेमिंग की एज कितनी है, तो जल्दी से जाओ और सच सच बता देना तुमको कितना लगता है गॉड किलर गेमिंग की एज, और जो बंदा सही उत्तर देगा अगले वीडियो में शाउट आउट भाई साहब उसी को मिलेगा। तो सही सही पता लगाओ जल्दी से खुफिया सूत्रों से कि गॉड किलर गेमिंग की एज कितनी है। तो यार आप बात करते हैं गेम प्ले की, हो गई बहुत सारी बकायती। तो यार यहाँ पहुँचते हैं वेयर हाउस में, तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड तो नहीं आती, इधर पास एक दो स्क्वाड आती है वो भी कैंपर वाली स्क्वाड। तो यार हमारे गॉड से पूछा कि यार मतलब कहाँ है स्क्वाड स्क्वाड, थोड़ा तुमको दिखी तो बताओ यार, क्योंकि हम तो उतारने में लगे थे। तो गॉड भैया तो कतई गाना वाना गाने लग गया, मैंने कहा रुक ले हो यार, मतलब तुम तो कतई भावनाओं में बह जा रहे मेरे सामने वाली खिड़की में जान का टुकड़ा रहता है। तभी भाई साहब ये लौंडा कताई, मतलब ये छत से वो छत, नहीं स्पाइडरमैन बनने का मन है या सुपरमैन बनने का मन है। तभी हमारे गॉड भी कहते हैं बॉट है, तो मैंने कहा चलो फिर इग्नोर करते हैं, कोई बॉट यार सज्जन लोग होते हैं। अबे एमो नहीं है मेरे पास, क्या करूं। Enemy down. तो नहीं नहीं मतलब देख रहे हो लौंडे कतई ड्रॉप शॉट खेल गया पक्का, ये मेरा टिप्स एंड ट्रिक देख के आया है कि बंदा जब आधा डैमेज हो तो ड्रॉप शॉट खेलो। तुमको नहीं पता तो ऊपर देखो आई बटन में लिंक होगी, पूरा वीडियो देखने के बाद ही जाना, बता रहा हूँ कसम है मेरी, मर जाऊंगा मैं भैया विश्वास करा करो, पूरा वीडियो देख लिया करो यार। तो यार जल्दी से जाओ सब्सक्राइब पे माथा टेको और जल्दी से घंटा बजाओ अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, विश्वास है यार भाई लोगों के ऊपर अपने को। तो यार यहाँ पास एक बेहतरीन स्क्वाड कतई क्लच कर दिया हमने, चार के चार किल हम ही लिए हैं, परेशान मत हो इस लौंडे को एक भी किल नहीं लेने देंगे यार, पूरा गेम प्ले हम बनाएंगे। तो उसके बाद भाई बग्गियों की ढूंढ के अपन निकलते हैं आगे, तभी एक स्क्वाड और मिल जाती है जो पता नहीं ड्रॉप ड्रॉप लूट रही होती है, तो यार चलो इसको पेलते हैं फिर। नहीं माने कोनो बता दे ये लौंडे को कि ऐसे मतलब बैठ के नहीं मारते यार, मतलब सामने तुमको बंदा दिख गया तो तुम यार जल्दी से उसको स्प्रे दो, नहीं ये बंदा पहले बैठेगा फिर मारेगा यार, गॉड भैया यार सुधर जाओ यार, सामने बंदा है यार उसके सामने तुम मटक रहे हो, उसको पेलना है यार, अभी नुपुर जाते बचा लिया सही टाइम पे। तो यार उसके बाद तीन बंदे इसके नॉक होते हैं, लास्ट बंदा होता है, तो मैं सोचा यार कि वो लास्ट बंदा रिवाइव अपना दे रहा हूँ, तो मैं फटाक से अपना किल सेव करने, क्या पता रिवाइव हो गया और फिर गॉड भैया किल ले गए, तो यार मतलब हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी यार, तो हम फटाक से गए और पेलते हैं फिर इसको। तो भाई साहब यहाँ आए तो हालात ही बिगड़े पड़े हैं यार, मतलब लौंडा तो कतई उदास बैठा हुआ है उधर, तो मैंने कहा पक्का इसका टीममेट यहाँ आसपास है नहीं, तो मैंने उसको फिनिश किया।
तभी भाई साहब ये बॉट ऑट आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। मैंने ये भाई साहब सज्जन लोग होते हैं, इनको मारना मतलब आराम से मारो, कोई जल्दी नहीं है, बॉट है, अपने प्रिय मित्र हैं। उसके बाद भैया गॉड भाई कॉल आई कि सामने बंदा चट्टान के पास है। तो गॉड भैया तो कहता है यार पीजी लेके खड़े हो गए, बोले आज मैं बन जाऊंगा सलमान खान। मैंने कहा बिल्कुल बन जाओ यार, कोई संकोच की बात नहीं है। तो हम यहाँ से देते हैं स्प्रे, तो मतलब यार एक तो पहले चट्टान न मिल रही, फिर चट्टान मिली तो बंदा ना मिल रहा, फिर बंदा बड़ी मुश्किल से दिखा, तो यार ये बॉट वहां से टपर टपर करने लग गया यार, बंदा मिस हो गया, किल चला गया गलती से यार। तो मतलब यार मैं सोचा कि अभी चांस है शायद किल मिल जाए, लेकिन ये सलमान खान के फैन यार मतलब एक बार रेस थी क्या देख लिए, आज पीजी आर पी चलाने लग गया यार। तो यार फटाक से अपन यहाँ से बाइक लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो यार यहाँ चली थी फ्लेयर, और भाई फ्लेयर है हमारी मतलब हमारे लिए चलाए हो, तो हमको लूटने दो, खुद लूट रहे हैं यार, तो यार सजा देंगे इनको यार, दंड दंड मिलेगा इनको। नहीं नहीं मतलब लौंडो को देख रहे हो, कहते ही ग्रोजा मतलब तुमको ग्रोजा मिल गई, AWM मिल गई, Level 3 का हेलमेट भी मिल गया, तो क्या मतलब एक गरीब आदमी उजी वाले के ऊपर रस करोगे, वो भी दो दो मिलके। नहीं अन्याय की एक सीमा होती है। तो भैया जी बहुत बुरी मौत मरे हैं ये लोग, उनको पता चल गया होगा यार कि ऐसे अन्याय करने वालों के साथ क्या हाल करते हैं लॉयन भैया। तो यार उसके बाद दूसरी प्लेयर चली यार सामने, हमने कहा ये भी हमारे लिए, धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबानी। तो यार चलो फिर इनको भी जल्दी से पेलते हैं। तो मतलब लौंडा तो कतई खिड़की पे बैठा है गन लिए कि लौंडे यहीं से आएंगे, दरवाजा तो चूतियों के लिए होता है। और बात सही है भैया, हम भी चूतिया ही थे जो दरवाजे से नहीं खिड़की से आए। और भाई बंदा लिए गन ताने बैठा है। एक तो ये बॉट यार जिंदगी को नष्ट किए पड़े हैं, बोल तो लेने दो यार कुछ। उसके बाद भाई साहब नागिन क्या ही गिल चोरी हुआ यार, कतई नागिन ही नागिन मिल रहा है यार, एक नागिन फिर दूसरी नागिन, यहाँ तो फुसफुस चल रहा है। उसके बाद यार रिच से बंदे यार कतई कारना इंटीरियर चला रहे पट पट। तो मैंने कहा गॉड भैया ये डिपार्टमेंट आपका है क्योंकि AWM आपके पास है। गॉड भैया बोले बिल्कुल ठीक है। तो गॉड भैया ने दो तीन फटके मतलब दिए, तो उनको ही फटका मिल गया यार, तो वो भैया पीछे आ गए। उन्होंने कहा हमारे बस की ना है, हमने कहा चलो ठीक है तुमसे ना हो पाएगा। वो कहता भाई नहीं नहीं हमारी गायरोस्कोप सेंसिटिविटी। मैंने कहा भैया वो जायरो होता है यार। तभी उन्होंने अपनी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी सही की और एक बेहतरीन खुशखबरी मिलेगी अभी। तो जहां उन्होंने बेहतरीन खुशखबरी क्या मतलब गलत मत समझ लियो यार, मतलब मैं स्नाइपिंग में हेडशॉट की बात कर रहा था यार, मतलब तुम गॉड भैया लौंडा है अपना, गलत मत समझ लियो, भावनाओं मत बह जाइयो। तो उसके बाद अपन यहाँ से फटाक से गाड़ी उठाते हैं और रस करेंगे यार, क्योंकि क्या पता वो रिवाइव हो जाए। दूसरे को भी नॉक कर दिया। तो यार इस स्क्वाड का किल तो मेरे नसीब में था ही नहीं यार, मतलब एक बंदा मिलने मतलब मारने का मौका ही नहीं मिला यार। शुरू में अच्छे किल मिल गए थे, उसके बाद यहाँ तो एकदम खिड़की कंगाल ही लग गई। तब यार सात बंदे बचे, जिसमें तो एक बंदा पता नहीं कहाँ था जो उनसे ही मर जाता है, बाकी के बनते हैं छह बंदे। तो चलो इनको पेलते हैं। तभी सामने दो बंदे दिखते हैं मुझे घर पे, तो यार रस करेंगे इन पे। भाई साहब लौंडा तो कतई जोन के बाहर जाके कैंपिंग कर रहा है भैया, मैं सोचा कि जोन के अंदर गया होगा, आगे गया होगा।
भाई बाहर जोन के भाई कैंपिंग चल रही है। मैंने कहा यार ये अलग ही स्वैग चल रहा है। उसके बाद भाई साहब कतई किल चोरी हो रहा है। उसके बाद यहाँ फिर एक किल चोरी हो गया यार, मतलब फिर एक नागिन बचती है लास्ट में, तो उसको अपन डस लेंगे। तो यार भूलना मत, अभी जाओ और कमेंट में बता के आओ गॉड किलर गेमिंग की एज कितनी है, और नहीं विश्वास होता एक बार उसका वीडियो जरूर देख लियो, आवाज से पता चलेगा एज कितनी है। तो यार जो सही बोलेगा शाउट आउट बिल्कुल मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।